स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। हर तरफ उल्लास और उमंग है। ऐसे में प्रभु राम के आने से देश को नई दिशा और दशा मिली है। देश में नए काल का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश दुनिया के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। और देखिए, अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रविवार यानी कि आज पूरा हो चुका है और करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के नाम के साथ शुरुआत की और समापन जय श्री राम के साथ ही किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी भी मांगी, प्रभु श्री राम से भी माफी मांगी और कहा कि हमें 550 साल लगे आपको आपके दरबार लाने में, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई भी दी और कहा कि कुछ कमी थी जो मंदिर बनने में सदियां लग गई, ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य बातें भी आपको बता देते हैं, वो जानना भी जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरोहर का भी प्रयोग किया और कहा कि सदियों की धरोहर मिली है आज हमें वापस। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा है और आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। श्री राम का मंदिर मिला है, गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता है राष्ट्र, ऐसे नव इतिहास का सृजन करता है। वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया। वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है, उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। एकदम आनंद मग्न होकर के मैं अपने स्थान पर विराजमान हो गए। मैंने उनके दर्शन भी कर लिया जाके पास, और एकदम आनंद मग्न होकर के मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। बस अब अगला गाना बनाएंगे कि अब ग्राम आ चुके हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक हैं। मैं तो यही कहूंगा, उन लाखों
राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य यह है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लोग इतने ज्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं आनंद में, मैं भी बहुत आनंद में हूँ। और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। अच्छा, एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। Quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think. बहुत ही बढ़िया, भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव था। और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं, हर राम भक्त के चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। सच में वह शांति के साथ में समृद्धि और संस्कृति को जगाने वाला, जागृति लाने वाला एक राम राज्य का यह प्रारंभ। भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये शब्दों से परे है। ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। Madam just came to take the blessings of Ramji. Fantastic, it was so beautiful. It is once in a lifetime and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. कोई भी देश अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सहेजे बिना समृद्ध नहीं हो सकता, और हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर हमें अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। भगवान श्री राम हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जैसे सूर, कबीर, गुरु नानक जी, भगवान बिरसा मुंडा, इन सब की हमारी सरकार ने सुध ली है। और आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक उत्साह है और सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here. PMO. It's historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. Thank you so much. और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि भगवान राम से 500 साल देरी होने पर मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन 500 वर्षों बाद राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन के लिए जितने भी श्रमिकों ने मेहनत की है, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा की और आभार व्यक्त किया उन लोगों का। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से इन तमाम श्रमिकों पर फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। इन लोगों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा राम मंदिर के निर्माण में, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्हें सम्मानित करते हुए इन पर पुष्प वर्षा की है। तो देखिए दुनिया भर में राम उत्सव का जश्न देखने को मिला। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वजीवियों पर पुष्प वर्षा की थी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्य में इन सब का बड़ा योगदान रहा है। अगर इनका योगदान ना होता तो शायद राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा ना होता और आज कितनी भव्य दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है वो संपन्न ना हो पाता। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सर्वजीवियों के बीच जाकर उन पर पुष्प वर्षा की है, और यही एक खास
खास चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल आंचल, और इससे आप पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे थे, उपवास पर थे, और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उन्होंने अपना व्रत खोला है। इन 11 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर भारत के उन सभी मंदिरों के दर्शन किए हैं जहां श्री राम के कदम पड़े हैं, यहां तक कि दक्षिण भारत भी वो गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बॉलीवुड का काफिला भी यहां पर पहुंचा है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। ये तमाम लोग आज यहां पर पहुंचे थे, जैकी श्रॉफ, रजनीकांत, कटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ, आलिया रणबीर यहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ विवेक ओबरॉय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रोहित शेट्टी, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे और इन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। खास मौका आज 22 जनवरी 2024 की तारीख जो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है हमेशा हमेशा के लिए, आज रामलला को घर मिला है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है मंदिर में, और इस मौके पर 7,000 से ज़्यादा मेहमान जो है वो अयोध्या में जमा हुए हैं, और उनमें से बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं, जो सितारे हैं, वो भी इससे अछूते नहीं थे, ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे भगवान रामलला के दर्शन के लिए। बिल्कुल मोनिका, कहा जा सकता है कि सिर्फ राम भक्तों में ही उत्साह नहीं, सिर्फ अयोध्या नगरी में उत्साह नहीं, बल्कि या राजनीतिक दल हो या फिर फिल्मी सितारे हो, हर किसी में उत्साह आज के दिन को देखने को मिला है। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, और आपको बता दें माधुरी दीक्षित, उनके पति भी कंगना रनौत, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा, इसके अलावा विक्की कौशल अपनी पत्नी कैटरीना कैफ के साथ, सभी सितारे आज अयोध्या नगरी में पहुंचे। और कंगना रनौत की एक वीडियो भी देखी जिसमें कंगना रनौत मंदिर के बाहर खड़ी है और झूमते गाती नाचती नजर आ रही थी, पुष्प वर्षा कंगना रनौत कर रही थी मंदिर की तरफ। तो फिल्मी सितारे भी आज राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस दिन का इंतजार सिर्फ अयोध्या वासियों को नहीं बल्कि सभी को था, और आज जिसको निमंत्रण मिला सभी आज अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रही है जब सितारे अयोध्या नगरी में पहुंच रहे थे रामलला के दर्शन करने के लिए, और कुछ सितारे ऐसे भी है जो अपडेट मिल पा रहे हैं कि दर्शन करने के बाद अब हस्तियों का सिलसिला जाने का भी शुरू हो चुका है क्योंकि रामलला के दर्शन हो चुके हैं। और ये देखिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अलग अलग कोने में भी, दुनिया के न्यू जर्सी की बात कर ले हम, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क की बात कर ले, कैलिफोर्निया की बात कर ले, सैन फ्रांसिस्को की बात कर ले, सिलिकॉन वैली की हम बात करें, लॉस एंजलिस की, या फिर लंदन की बात करें, केंटकी की बात करें, ये तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं। 22 जनवरी आज जब श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो इस मौके को बाहर विदेशों में किस तरह से मनाया गया है, कई देशों ने आज के दिन छुट्टी का भी ऐलान किया है, जैसे कि हिंदुस्तान में हुआ, कई राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया, ऐसे विदेशों में भी कई देशों ने आज के दिन छुट्टी का ऐलान किया ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान रामलला को याद कर सके, अपनी अपनी जगह पर उन्हें नमन कर सके और अपने अपने तरीके से इस दिन को मना सके। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग देशों की, देखिए। तो देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में भी कि किस तरीके से जगमगा उठी है पूरी दुनिया, राम की भक्ति में डूब चुके हैं। और जब न्यू जर्सी का जिक्र आता है तो न्यू जर्सी में तो बेहद ही पहले से ही रामलला के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही थी, बाइक रैली का, कार रैली का आयोजन भी न्यू जर्सी में लगातार किया जा रहा था, कारों पर झंडे लगा करके जय श्री राम के बाइक रैली वहां पर निकाली गई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया था और झूमते गाते नजर आए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत के साथ साथ दुनिया ने आज राम का स्वागत किया है, और सिर्फ भारत की ही नजरें नहीं थी 22 तारीख पर बल्कि दुनिया की नजरें 22 तारीख पर टिकी हुई थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान पूरा होगा और वो 22 तारीख को अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और राम की नगरी में पहुंच करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बिल्कुल आंचल, हिंदू समुदाय के लोग भारत के अलावा कई और देशों में भी रहते हैं और ये तमाम लोग दुनिया के किसी भी कोने में ये रहें लेकिन भगवान रामलला को याद करना नहीं भूले, और आज के दिन का खास मौका था, आज के दिन को मनाया गया अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी जगह से।
तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट देशवासियों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बने। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, तो जो सपना था, जो कल्पना थी अभी तक कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, वो अब सच हो चुका है, साकार हो चुका है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी आज हो चुकी है। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ इंडिया पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।